अभी कक्षा 11 के छात्र में आपका भी बायोलॉजी का एग्जाम है, तो लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र, ठीक है। सब्जेक्टिव आपको डाउनलोड करने के लिए बता दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 6210 82 403 पर SMS करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। बॉय के लिए अलग ग्रुप है, गर्ल के लिए अलग ग्रुप है, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, 100% मैथ का 100% रियल प्रश्न पत्र डाल दिया गया, वो बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का गलती से मिस्टेक हो गया था, उसके वजह से आप सभी को मतलब फेक प्रश्न पत्र मिल गया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपका रियल प्रश्न पत्र बायोलॉजी का होने वाला है। चलिए देखते हैं, नेशनल ओवेटेनल रिसर्च कम्युनिकेशन किस शहर में स्थित है, तो किस शहर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी टेक्निकल की जानकारी किससे निहित की जाती है, किससे निहित की जाती है, तो दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, मोनोग्राफ में, ठीक है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 70 प्रश्न दिया, किन्हीं 35 का ही आंसर देना है, ठीक है, आपको जल्दी से एग्जाम हॉल में पहुंचना है, इसलिए हम 35 से 40 क्वेश्चन आपका करवा देंगे, ताकि आप लोग जल्दी से चले जाइए, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट वीडियो को देखकर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्ताव किया था, तो किसने किया था, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्क एच हीटर ने, ठीक है, 4 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्क एच हीटर ने। गर्म झरने में पाए जाने वाले खाद बैक्टीरिया को कहा जाता है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थार्मोफिलस, ठीक है, थार्मोफिलस कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर कोशिका वर्गीकरण आधार है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, 6 नंबर का ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिए, भूरे शैवाल में संचित भोजन है, तो कौन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, नीम में से किसमें कबूल मूल पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइनस में, ठीक है, पाइनस में पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एंजीरोस में भ्रूण कोष में प्रत्येक कोशिका होती है, तो प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगुणित, ठीक है, अगुणित होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगुहीय। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोई नोलासाइड पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ पोरीफेरा में, ठीक है, संघ पोरीफेरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर वर्ग एम्फीविया के प्राणी होते हैं, तो कौन होते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य कंकाल एवं काइटिनी संघीपाद में पाए जाने वाला संघ का विशेष रूप पूछा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइथोपोडा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रोम निम्नलिखित में से कहाँ निकलती है, तो कहाँ निकलती है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिपक्व क्षेत्र में। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए सह होती है, तो कौन सा होता है, 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 का। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम दोनों बताने वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भूभागीय तने में रूपांतरित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमीकंद। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और अच्छे से दिखेगा, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो और अच्छे से दिखेगा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, केना के फूल पाए जाते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्मित, ठीक है। 19 नंबर, केंद्र पीठ की ओर प्रोटोजेलाइम निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, मतलब देखिए ये भी होगा, ये भी होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक विज
पत्री पौधे में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूटलिक नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़ में। 22 नंबर, तने पर अवशोषित वह छिद्र जो बाहरी वायुमंडल के भीतरी उत्सव में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंध हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विषय को चिन्हित कीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उपस्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर, तिलचट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरीपलेटना अमेरिकाना, ठीक है, ये हो जाएगा अमेरिकाना, ठीक है। केंचुआ में नर जनन छिद्र किस खंड में स्थित होते हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। तिलचट्टे का परिसंत्र तंत्र होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए खुला, ठीक है, खुला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया 27 नंबर, प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम निम्न में से कौन है, तो कौन है, 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटोएजेज। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 28 नंबर का वायवीय श्वसन निम्नलिखित में से किन में कहा जाता है, तो ये पहले से हम आपको टिक लगा चुके हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यूरोटिका कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कहाँ अवस्थित होते हैं, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर, कोशिका के संगठन में प्रोटीन निम्न में से किस कोशिकी भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 70 से 90। निम्नलिखित में से दिया है, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कागज। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस तापमान पर एंजाइम अणु स्थगित हो जाते हैं, तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 33 का डी हो जाएगा। चलिए 34 को देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर देखते हैं 34 का डायरेक्ट नीचे, ठीक है, 34 का देखते हैं, 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संश्लेषित प्रवस्था एस, ठीक है। यहाँ पर 35 नंबर, कोशिका चक्र का अनुक्रम है, कोशिका चक्र का अनुक्रम क्या है, तो 35 का सी हो जाएगा। 36 में देखिए, यहाँ पर 35 को देखिए, 70 क्वेश्चन दिया लेकिन आपको 35 बनाना था, ठीक है, समय के अभाव में हम 35 ही क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसी के चलते हम आपका कम ही प्रश्न करवाएं, 35 ही बनाना था, 35 ही करवाए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर देख लीजिए, एक नंबर क्वेश्चन छूट गया, दो नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट आयतन क्या है, दो तीन नंबर देख लीजिए, श्वसन तंत्र में किन्हीं दो विकारों के नाम लिखना है, चार नंबर, सांस गुणांक के परिभाषित कीजिए, इन सभी का आंसर ग्रुप में अपलोड है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पौधे द्वारा खनिजों का अवशेषण कैसे होता है, जल संघनन तकनीक किसे कहते हैं, विसरण की दर में कौन सा कारक प्रभावित करते हैं, सूत्री कोशिका में क्या महत्व है, ठीक है, आठ नंबर क्वेश्चन हो गया। नौ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, अनुशेषिक पाइथागोरियन फल किसे कहते हैं, परजीवी प्लेटिनम मिजिक के विशेष लक्षणों को लिखना है, पंछियों में उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूल है ये आपको लिखना है, किसे पादप जगत का जल स्तर कहा जाता है, 12 नंबर को लिख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर है, यहाँ पर लाइकेन के घटक क्या है, पीनियल ग्रंथि के क्या क्या है, अग्र मस्तिष्क का क्या करे, जो आगे का मस्तिष्क होता है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन, इन सभी का आंसर, 17 नंबर देखिए, मनुष्य का दंत का सूत्र बताइए, ये आपको लिख लेना है, लाइकेज एंजाइम क्या है, लाइकेज एंजाइम का क्या क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम लिख लेना है, ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम लिख लेना है। देखिए यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका शुरू है, तंत्रिक कोशिका का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाना है, नालिका का आपको लिखना है, ठीक है। 22 नंबर हो गए, देखिए यहाँ तक आपका कुल मिलाकर 35 प्रश्न थे, ठीक है, 35 प्रश्न है, कम से कम 15 का इसमें से आंसर, 10 का इसमें लिखना है, 3 का उसमें लिखना है, 13 का आंसर लिख लेना है, ठीक है, 13 का आंसर ग्रुप में अपलोड हो चुका है, ग्रुप का नंबर देना है 62010 82403 पर, आप लोग SMS करके वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ऑटोमेटिक मैसेज भेज दिया जाएगा, ऑटो वहाँ पर मैसेज लगा है, ठीक है, उससे डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।